नमस्कार, वीकेवी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के बंगाल वाले बयान पर राजनीति गरमाई। फडणवीस ने कहा, जब तक खून का कतरा रहेगा तब तक महाराष्ट्र को बंगाल नहीं होने देंगे। आठवले ने भी ली बंगाल वाले बयान पर चुटकी। सरकारी राशन में हेराफेरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार। 26,53,000 का माल जब्त। और 13 से 16 अक्टूबर के शिविर में दीक्षा भूमि पर 1182 लोगों ने ली कोविड वैक्सीन। और अब खबरें विस्तार से। जनता ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पसंद नहीं किया और शिवसेना को प्रमोट किया, ये कहना है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का, जो शुक्रवार को हुए दशहरे सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। जब तक हमारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, हम महाराष्ट्र को बंगाल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री पदावर आहात आणि आता तेच सांगून किती दिवस वर्ष तुम्ही काढणार आहात। खरं म्हणजे आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर मुख्यमंत्री असं म्हणाले की आम्हाला महाराष्ट्राचा बंगाल करायचा। बंगाल करायचा म्हणजे काय करायचं? ज्या बंगालमध्ये युनियन बाजीमुळे आणि एक्सटॉर्शनमुळे एकही उद्योग टिकलेला नाही, जो कोलकाता देशाची आर्थिक राजधानी होता त्या कोलकातामध्ये आज अवस्था काय आहे, आणि तुम्हाला बंगाल करायचा आहे म्हणजे तुमच्या विरोधात जो बोलेल त्याचे हातपाय छाटून त्याचं मुंडकं छाटून त्याला फासावर लटकवायचं आहे, अशा प्रकारचा महाराष्ट्र तुम्ही घडवणार आहात का? भारतीय जनता पार्टी स्पष्टपणे या ठिकाणी आम्ही सांगू इच्छितो, जोपर्यंत आमच्यात रक्ताचा एकही थेंब आहे आम्ही महाराष्ट्राचा बंगाल होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र महाराष्ट्रच राहील। काय वाटेल ते आणि कोणाचे काही मनसुबे असले तरी ते मनसुबे उधळून लावू, पण महाराष्ट्राचा बंगाल हा आम्ही या ठिकाणी कुठल्याही हद्दीत होऊ देणार नाही। आप अगर महाराष्ट्र का बंगाल करेंगे तो हम बंगाल को महाराष्ट्र कर देंगे, ये कहना है केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले का, जो शनिवार को आयोजित पत्र परिषद के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिए गए बयान पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान रामदास आठवले ने दिल्ली के किसान आंदोलन और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। सगळ्या विषय नाही आहे, आता ते त्यांचा आरोप आहे मुख्यमंत्र्यांचा, त्यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे, ते आमचे जवळचे मित्र आहेत, त्यांना मुख्यमंत्री म्हणण्याची संधी मिळालेली आहे। त्यांना आमचं अजून आव्हान आहे की बाळासाहेबांचं स्वप्न साकार करायचं असेल तर अजून वेळ गेलेली नाही, त्यांनी पुन्हा बॅक टू पॅव्हिलियन आलं पाहिजे। आणि 2.5 वर्षाचा जो प्रस्ताव आहे त्याच्यावर त्यांनी विचार करायला हरकत नाही, त्यांनी 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री राहावं आणि 2.5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करावं, अशा पद्धतीनं काहीतरी होऊ शकतो। त्यामुळं उद्धव ठाकरे आता बीजेपीवर एकदम सडकून त्यांनी काल टीका केलेली आहे, ठीक आहे, त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे, पण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी असं बोलणं बरोबर नाही आहे। ते शिवसेनेचे नेते म्हणून ठीक आहे, पण मुख्यमंत्री म्हटलं की त्यांनी जबाबदारीनं बोललं पाहिजे असं मला वाटतं। नागपुर के जरीपटका पुलिस ने सरकारी अनाज की हेराफेरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 26,53,000 का माल जब्त किया है। जरीपटका पुलिस के डीबी पथक को गुप्त जानकारी मिली कि कुछ लोग सरकारी अनाज की हेराफेरी कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस भी तथागत कॉलोनी पाटनकर चौक पहुंची। वहां कुछ आरोपी सरकारी अनाज को सरकारी गोदाम ना ले जाते हुए अपने निजी वाहन में भर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन निजी वाहन और समेत सरकारी अनाज जब्त किया। बरामद किए गए कुल माल की कीमत 26,53,000 रुपए है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है।
15/10/2021 10 वाजता गोपनीय माहिती मिळाली की पाटणकर चौक परिसरामध्ये तथागत कॉलनी या ठिकाणी सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे गावामध्ये जे ट्रक उभे असून त्यामधून काही माल काढण्यात येत आहे, त्यावरून तत्काळ डीबी पथक त्या ठिकाणी पाठवून खात्री केली। त्यानंतर पुरवठा विभागाचे अधिकारी बोलवून खात्री करण्यात आली की तो गहू हा या ठिकाणी न थांबता संबंधित गोडाऊनला जाणे आवश्यकता होते आणि त्या ट्रकमधून तो माल काढता येत नाही, त्याबाबत आम्ही सर्व खात्री केली आणि खात्री केल्यानंतर सदर दोन्ही ट्रक आणि त्या ट्रकमधून जे गहू छोटा हत्तीमध्ये काढले होते ते सर्व तिन्ही गाड्या आम्ही जप्त केल्या। एकूण 26,53,000 रुपयाच्या मुद्द्यावर आम्ही जप्त केलेला आहे आणि सदर गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी हरविंदर सिंग रविंदर सिंग भाटिया अमन सिंग रविंदर सिंग भाटिया आणि टाटा एसचा जो ड्रायव्हर होता नसीम अकबर खान यांना अटक केलेली आहे आणि परत एक व्यक्ती अटक करणे बाकी आहे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में नागपुर महानगर पालिका द्वारा 13 से 16 अक्टूबर के बीच दीक्षा भूमि पर कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान 1182 लोगों ने टीका लगवाया। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में दीक्षा भूमि पर अनुयायियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से नागपुर महानगर पालिका द्वारा टीकाकरण कोरोना जांच और स्वास्थ्य जांच की विशेष व्यवस्था की गई थी। 13 अक्टूबर से दीक्षा भूमि में प्रवेश मार्ग पर ही 6 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर 13 से 16 अक्टूबर के बीच 1182 लोगों ने कोविड वैक्सीन ली, जिसमें वैक्सीन का पहला डोज 719 लोगों ने तो दूसरा डोज 463 लोगों ने लिया। साथ ही 4421 लोगों ने कोविड एंटीजन टेस्ट और 303 लोगों ने स्वास्थ्य की जाँच की। महापौर दयाशंकर तिवारी और आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश अनुसार वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन नवखरे, अतिरिक्त सहायक वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी के सहकार्य से मनपा की टीम ने स्वास्थ्य जांच की। देश भर में बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए 21,000 कोटी की सीमेंट सड़क बनाई जा रही है, ऐसी जानकारी केंद्रीय सड़क व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। वे कामठी के ड्रैगन पैलेस में आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रम में उपस्थित थे। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म स्थल और महापरिनिर्वाण स्थल साथ ही नागरिकों को दीक्षा दी वो जगह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म मृत्यु साथ ही विविध ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों का बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में केंद्र सरकार विकास कर रही है। विभाग द्वारा देश भर में बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए 21,000 करोड़ की सीमेंट की सड़कें बनाई जा रही है, ऐसी जानकारी केंद्रीय सड़क व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कामठी के ड्रैगन पैलेस टेम्पल में आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रम में दी। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले, राज्य के विधानसभा विरोधी पक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, ड्रैगन पैलेस टेम्पल की संस्थापिका सुलेखा कुंभारे समेत कई नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान तथागत गौतम बुद्ध के विचार संदेश संपूर्ण विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए है और इसे आत्मसात करने की बात नितिन गडकरी ने कही। वहीं तथागत गौतम बुद्ध ने अपने विचारों से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने की बात विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने की। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी अपने विचार व्यक्त की। तिथे आमचा एक मास्टर मुस्लिम कारागिर आहे, आपलं काय नाव त्यांचं? महाजन। महाजन, महाजन का नाम क्या वडिलाचं? तय्यब महाजन। तय्यब महाजन, तय्यब महाजन। देवेंद्रजी ते 85 वर्षाचे आहेत आणि मी गेल्या 15 वर्षापासून त्यांच्या मागे उभा असतो। त्यांनी हँडलूममध्ये वेविंगचे चमत्कार केलेले आहे, रेकॉर्ड केलेले आहे आणि त्यांना पवनीकर आता तिथे आल्यामुळे पाचगावला जे मी खासदार म्हणून दत्तक घेतलेलं क्षेत्र होतं तिथे वेस्ट कॉटनपासून म्हणजे चिंध्या ज्या रेडीमेड गारमेंटच्या निघतात एवढे सुंदर गालीचे तयार झाले आहे की ते 400 रुपयात विकतात, आम्ही 500 रुपयात देऊ शकतो तो पण आयकिया कंपनीला मी त्याचं सॅम्पल पाठवलं तर त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही 5,000 रुपयात घेऊ आणि या सगळ्या महिला आत्ता ज्यांना सर्टिफिकेट त्या शिकणार आहेत आणि माझी इच्छा आहे की नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातल्या 10,000 महिलांना हे ट्रेनिंग द्यायचं आहे आणि 1 महिला 6,000 रुपये महिना कमीत कमी कमवेल आणि ताईंना मी सांगितलं की तुम्ही तिथे जा आणि हा प्रकल्प सुरू करा
मला खूप आनंद आहे की ताईंनी हा प्रकल्प इथे सुरू केला आणि त्यामुळे इथल्या अनेक निराधार गरीब शोषित पीडित महिलांना रोजगार मिळणार आहे. याबद्दल ताईंचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा गढ़चिरौली से गुजरात केवाड़िया के लिए साइकिल रैली निकाली गई. इस रैली का शनिवार को सीआरपीएफ नागपुर द्वारा फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया. आजादी का अमृत महोत्सव और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित किए गए साइकिल रैली का शनिवार को नागपुर सीआरपीएफ द्वारा फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी उपस्थित थे. इसी दौरान उन्होंने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी समेत बड़ी संख्या में जवान उपस्थित थे. इस साइकिल रैली को राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाकर गढ़चिरौली से रवाना किया था. यह रैली गढ़चिरौली से गुजरात राज्य के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस जगह पर 922 किलोमीटर की दूरी पूरी कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश को एकता का संदेश देगी. वर्धा में नवरात्रि के बाद हर्षोल्लास के साथ शारदा माता का आगमन हुआ है. कोविड नियमों के तहत सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, जिस कारण बगैर ढोल ताशे के ही माता का आगमन हुआ. शहर में दुर्गा माता के बाद शारदा माता का आगमन हुआ. हर्षोल्लास के साथ माता की स्थापना की गई. कुछ जगह नवरात्रि में पंचमी को तो कुछ जगह दशहरे के दूसरे दिन शारदा देवी की स्थापना की जाती है. इस साल कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन प्रशासन ने सादगी से उत्सव मनाने की सूचना दी थी. कई पंडाल में विराजमान शारदा देवी मंडल द्वारा कोविड काल की वजह से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन भीड़ ना हो इसलिए सभी कार्यक्रम रद्द किए गए. इथे शारदा देवीचं आगमन झालेलं आहे आणि आजचा 6वा दिवस आणि कोरोनामुळे अतिशय साध्या पद्धतीने आगमन झालेलं आहे देवीचं. दरवर्षी कोरोना नव्हता, त्या दरवर्षी आम्ही ढोल ताशा वगैरे या पद्धतीनं करत होतो. हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम लहान मुलांचे, समजा गरबा आणि जसचं कार्यक्रम ते पण ठरवत होतो, राहत होतो आमच्याकडे. यावर्षी नाही, यावर्षी सर्व साध्या पद्धतीने कोरोनाचे नियम पाळून आम्ही सर्व साध्या पद्धतीने यावर्षी कार्यक्रम करीत आहोत. त्यांना पण माझी एवढीच विनंती आहे की आपल्याकडे कोरोना आहे, पण आता सध्या कमी परिस्थिती आहे, वाढू नये, त्यासाठी सर्व कार्यक्रम साध्या पद्धतीने करावी हीच माझी. विक्टू बाबा के पुनीत स्पर्श से पावन टाकल घाट का विकास करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार कटिबद्ध होने की बात पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कही. श्री संत योगीराज विक्टू बाबा प्रतिष्ठान द्वारा भोजन कक्ष का पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन किया गया. इसी दौरान वे बोल रहे थे. योगीराज विक्टू बाबा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है. उनके पुनीत स्पर्श से
पावन टाकल घाट का विकास करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार कटिबद्ध होने का प्रतिपादन राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। योगीराज विक्तु बाबा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित भोजन कक्ष का उद्घाटन कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। इस दौरान विधायक समीर मेघे, संत योगीराज विक्तु बाबा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष व पूर्व विधायक नाना श्यामकुले, हिंगना समिति सभापति सुषमा कावले, जिला परिषद सदस्य आतिश उमरे, टाकलघाट ग्राम पंचायत की सरपंच शारदा शिंगारे उपस्थित थे। इस दौरान नितिन राउत ने भोजन कक्ष उपक्रम की सराहना की, कहा कि यहां एक साथ 400 श्रद्धालुओं को स्टेनलेस स्टील के थालियों में खाना खिलाने का उपक्रम काफी सराहनीय है। शनिवार को जीएमसी स्पोर्ट्स क्लब के नए क्रीड़ा संकुल का उद्घाटन शनिवार को राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में क्रीड़ा सुविधा निर्माण के लिए हर संभव मदद करेंगे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर विद्यार्थियों पर काम का तनाव रहता है, खेल कूद से तनाव कम करने में मदद होती है, इसीलिए अस्पताल और कॉलेज परिसर में वैद्यकीय सुविधा के साथ क्रीड़ा सुविधा निर्माण के लिए हर संभव मदद करने की बात राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने कही। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के जीएमसी स्पोर्ट्स क्लब ने नए क्रीड़ा स्कूल में लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का सुनील केदार ने उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक मोहन मते, महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर भावना सोनव ने, दंत वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अभय दातारकर, क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय के उप संचालक शेखर पाटिल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के उप अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजबिये, डॉक्टर उदय मारलावार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे, डॉक्टर अजय केवलिया, डॉक्टर हरीश रावत, डॉक्टर गणेश ढाकले उपस्थित थे। देश में अगर कांग्रेस जीत जाए तो देश बचेगा, इस भावनाओं के साथ हर कांग्रेसियों ने लोगों तक जाना चाहिए, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का, जो भंडारा के पौनी में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। महात्मा गांधी दोपहर पहले की पूर्व लोग फाटले कपड़े घातले आधार कपड़े नहीं आणि महात्मा गांधी ज्या वेळेस कोर सुटपुट धर्म आलेले विदेशात आफ्रिकेतलं स्वातंत्र्याची लढाईच्या काळात महात्मा गांधी लढत होते पण त्यांनी जेव्हा फिटीतून पाहिले की लोक फाटले कपडे घातले लोकांचे आधार कपडे नाही त्यांनी उकडत बसले त्याच वेळेस त्यांनी पंजाब मागवला आपला सुटपुट बाजूला सारला आणि या देशाच्या लोकांना जिथपर्यंत आधार कपडे येणार नाही तिथपर्यंत मी याच पक्षावर राहणार ही भूमिका त्या काळात महात्मा गांधींनी घेतली। त्या गुजरातमधल्या जन्मा लागलेल्या महात्मा गांधींनी ही मानसिकता घेतली आणि आज ज्या संविधानाला काँग्रेसने गेल्या 60 वर्ष सांभाळून ठेवलं त्या काँग्रेसच्या संविधानाने सांभाळून ठेवलेल्या संविधानामुळे 4 एकर आपण देशाचा प्रधानमंत्री झाला आज दिवसातून तीनदा आपला सूर बदलतो आणि लोक उघड्यावर झाले कपड्याविना लोक राहायला लागले अशी परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण झाली आणि म्हणून अशा या परिस्थितीमध्ये आपल्याला आता जी स्वातंत्र्याची लढाई त्या काळात लढली जात होती तीच लढाई आपल्याला आता लढावी लागणार आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की मधल्या काळामध्ये हे जे सगळे भाजपने सोडलेले पिल्लू जे काही विविध पक्ष होते ज्या पक्षात आपण गेला त्याच्यामध्ये मताचं विभाजन कसं करता येईल सेक्युलर मताचं विभाजन कसं करता येईल आणि काँग्रेसला कमजोर करून काँग्रेसला दळित या देशाच्या संविधानाला कसं कमजोर करता येईल हा प्रयत्न त्यांनी केला आणि त्याच्यात ते यशस्वी झाले। 7 वर्षामध्ये काय आपल्याला आता 8वं वर्ष त्यांचं सुरू झालं या 8 वर्षात आपल्या देशाला काय मिळालं असेल तर या देशातल्या लोकांना फक्त आश्वासन मिळाले आणि जो देश काँग्रेसने मोठा करून ठेवलेला होता ती प्रॉपर्ट्या विकून आता ते चालवायची व्यवस्था सुरुवात झाली। मी तुम्हाला सांगतो की आज आम्ही सगळे लोकांनी एक निर्णय घेतला पाहिजे आजच्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्म परिवर्तन घेतला आणि एक निर्णय घेतला आणि त्याच्यामुळे बौद्धाचं शिक्षण अहिंसेचा धर्म समतेचा संदेश त्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आजच्या दिवशी दिला म्हणून आजच्या दिवशी आपण या देश वाचवण्याची संकल्पना देशाचं संविधान वाचवण्याचं संकल्पना घेऊन आपल्या या ठिकाणी जायचं होऊन काँग्रेसचा उमेदवार उभा राहील
आणि काय होणार तिथं तो भाग नंतरच आहे. पण आता काँग्रेस जिंकेल तर देश वाचेल या पद्धतीची भूमिका आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवायची. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.